तो उड़ीसा से मध्य प्रदेश गांजा परिवहन करने वाले चार आरोपियों के पास से 160 किलो गांजा जब्त किया गया। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त दो कार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मुख्य आरोपी पर पहले भी दो बार एनडीपीसी एक्ट के कार्रवाई हो चुकी है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर और सहजोल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से जब्त गांजे की कीमत 51,50,000 रुपए आंकी जा रही है। ज्ञात हो कि आचार संहिता खत्म होने के बाद खत्म हुई कि नाकेबंदी का फायदा उठाकर अब इस तरह की अवैध गतिविधियां तेज से प्रारंभ हो रही है, जिस पर पुलिस लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। दो कार, 5 नग मोबाइल हैंडसेट, जिस प्रकार से कुल जुमला करीबन 51,50,000 का होता है, इसमें जिला जीपीएम के गोरेला थाना में कार्रवाई हुई है। इसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है विश्वनाथ राठौर, सोनू राठौर, प्रदीप पटेल और किशन पटेल, जिसमें से जो पहले के 3 हैं वो अनूपपुर जिला के हैं और जो आखिरी का किशन पटेल है वो शहडोल जिला में निवासरत है। तो ये घटना पूरी इस प्रकार से पुलिस को सफलता मिली कि पहले एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ओडिशा से कुछ लोग गांजा लेकर आ रहे हैं, जो कि जिला जीपीएम से होते हुए थाना जतहरी और अनूपपुर।